तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले एक बंगाली मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर के ऊपर, जिसका नाम है काबुली वाला। तो भाई, ये जो मूवी है ना, ये अपकमिंग बंगाली मूवी है और इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाले मिथुन दा। तो बस आज की इस वीडियो में हम इसी ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करने वाले भाई। ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम इस ट्रेलर के ऊपर जाकर रिएक्शन करें, तो बस आज की वीडियो हम स्पेशली उनके लिए ही बना रहे। तो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और सबसे जरूरी भाई, आप वीडियो देख के ना चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो जाके। और जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया तो चलो अब जल्दी से जाते हैं स्क्रीन पर और रिएक्ट करते हैं इस ट्रेलर के ऊपर। आखिर कैसा ट्रेलर है, तो चलो 1 2 3 गो। काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला, ए ना प्रसाद खाओ। वो क्या है? तुम ही देखछी कि छुए जानो ना, तुम्हार ठाकुर नहीं? हां अच्छा, अल्लाह तुम्हार ठाकुरे नाम अल्लाह। हां, अमर ठाकुरे नाम ठाकुर। या अल्लाह, हर इंसान को मेरी खोकी की तरह मासूम बना दे। पाकिस्तान से आवाज लगाने से मरा लो चाहे। রহমত, আমাদের পাড়ায় আর এসো না। রাজকুমারী কো জীবন নাই চিয়ে, রাজা কো রোক লো। রাজা ঘোড়ে পে বেঠ কর বহুত দূর নিকল গায়ে বেঠি। হিং লেবে হো হিং। তোমার ঝোলাতে কি আছে? ইসমে হাতি আছে, হাতি। দেখবে তুমি একটা অজানা অচেনা লোক, দেশ আলাদা ধর্ম আলাদা, লোকগুলো ছেলে ধরা, ছোলাই করে বাচ্চা বাচ্চার করে, তুমি জানো? দেখো মিনি তো এখনো ছোট্টটি আছে, এই ভাবনাগুলোর ভিতরে ঢুকিয়ে ওর মনটাকে ছোট করে দিও না। বাবুজি, আপকা ধর্ম তো নেই জায়গা। রহমত, মানব ধর্ম থেকে বড় কিচ্ছু নেই। তুমিও তো আমার একটা বন্ধু। আমি তোমার দোস্ত। दर पे सजदा, वो सबके सर पे सजदा, बड़े भी जहां कदम उस शहर में खुशहाली हो। माँ, मिनी दीदी ने कोथा उपाय तो सीना। तुम्हार की धारणा रोहमा तो के नहीं गए थे? उधर के विश्वास करे। मिनी दीदी, मिनी के देखे थे? ऑर्डर ऑर्डर। गुनाह करूं ऊपर से इनकार भी करूं, इतना बेगलत इंसान नहीं हूं मैं मालिक। काबुली वाला। और भाई, ये जो मूवी है ना, ये मेरे को काफी प्यारी लगी, वो भी इस छोटी सी बच्ची की वजह से। मतलब मतलब काफी प्यारी लगी। एक होता है ना कि इनोसेंट सी मूवी है यार, मतलब इसको कुछ वो नहीं बोल सकते कि यार काफी वो, मतलब मिथुन दा की जो एक्टिंग है भाई, मतलब इनकी उम्र भी हो गई है। और लेकिन मूवी के पीछे ना एक बहुत अच्छा कंसेप्ट भी है, जैसे इन्होंने बोला कि वो बोलते हैं रिलीजन से, जो रिलीजन होता है वो बड़ा नहीं होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन। जब इंसान में इंसानियत होती है ना, तो उससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता भाई। मतलब इस मूवी का कंसेप्ट ही ऐसा है। और एक छोटी बच्ची और काबुली वाले की दोस्ती दिखाई गई है, जहाँ पर ये मतलब जब भी आता है तो ये मतलब आपस में मिल जुल रहे हैं, दोस्त बने हुए हैं, उनके साथ रहना खाना पीना, जैसे कि वो उनके वहाँ आएंगे तो वो पूजा करेंगे तो वो भी पूजा करेंगे, वहाँ पर ईद हो रही है। और ये वाली जो एक लाइन थी यार कि एक तो गुना करूँ और ऊपर से मना करूँ, ये डायलॉग काफी मतलब सही था यार, मेरे को मतलब काफी अच्छा लगा। मतलब कि उन्होंने बोला कि उसने पूछा काबली वाला कहाँ जा रहे हो, तो उसने बोला कि मैंने तेरे मतलब कि जो ग्रैंड फादर है, मैंने तेरे दादा को मार दिया। और वो क्यों मारा है, क्या है, मतलब कि ये इन्होंने ग्रैंड फादर नहीं, जैसे कि उधर जा रहा हूँ ग्रैंड उसके ते दादा के घर में भी नहीं, पता नहीं क्या यार, किल्ड शायद से। मैंने अभी यही पढ़ा कि क्या मैं सही गलती हो गया, शायद से वो हो सकता है कि, लेकिन भाई जो है वो लड़की के किडनैप, उसको किडनैप किया उसके बाद ये कर रहा है ना, पर शायद से ये इन्होंने इसीलिए ही जवाब वहां पर ही छोड़ दिया कि मेरे को ही देखने में गलती हुई है। पर काफी मुझे काफी अच्छा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये जो हम वो बोलते हैं ना भेदभाव करना रिलीजन्स में, ये एक मूवी है जिससे हम बहुत कुछ सीख, मतलब काफी इनोसेंट सी मूवी लग रही है यार। मतलब इंसानियत होगी तो तभी जाकर कोई ये रिलीजन। और इसका जो बीजीएम था ना, बीच बीच में काफी बढ़िया लग रहा था, एक हिसाब से तेरे दर पे आए सजना वाला जो था, कुछ इस तरीके का जो गाना था, काफी बढ़िया लग रहा था। और जो इसमें मिथुन दा की एक्टिंग है ना, वो काफी
अच्छी लग रही है, बच्ची ने एक्टिंग की है यार, एक इनोसेंट, एक बहुत प्यारी सी लड़की, एक छोटी सी लड़की जिसको मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। वो देखो जब वो उससे मिथुन दास से वो अपना धर्म पूछ रहे थे, वो बोलते हैं कि आपका भगवान कौन है, वो बोलते हैं अल्लाह, लेकिन लड़की बोलती है मेरा भगवान भगवान है। तो मतलब फिर वो मतलब काफी अच्छी स्टोरी है यार, मतलब काफी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार। बाकी भाई आप सबको ये ट्रेलर कैसा लगा है, अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना। तो चलिए आज की गपशप यहीं पर खत्म करते हैं, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगेगा तो वीडियो क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आप बिल्कुल भी नहीं करते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यार। तो अगर सब्सक्राइब कर लिया तो चलिए मुलाकात होगी आपसे हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।